झारखंड में नक्सलियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त छापेमारी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इनामी नक्सली पति पत्नी समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 नक्सलियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम था। इन नक्सलियों के कब्जे से पीरटांड के बनासो और मंजरी जंगल से पुलिस से लूटी गई AK-47 कार्बाइन भी बरामद की गई है। जो हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए हैं उनमें प्रशांत मांझी उर्फ छोटका, सुधीर किस्कू उर्फ सुलेमान हांसदा और प्रभा उर्फ जया शामिल है। 154 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 के ऊपर इनाम घोषित है 10-10 लाख रुपए का। इनके गिरफ्तारी के साथ साथ ही इनके पोजीशन से कुल 10 आर्म्स बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 आर्म्स गिरिडीह जिला में बरामद किया गया है एवं अन्य जो आर्म्स की बरामदगी हुई है वो गिरिडीह एवं दुमका पुलिस बल के सहयोग से दुमका में बरामद किया गया है, जिसके लिए अलग से दुमका में कांड दर्ज किया गया है। इनके ऊपर कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा माओवादियों को रिक्रूट करना, नए मेंबर्स को रिक्रूट करना, माओवादी घटनाओं को अंजाम देना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर लेवी कलेक्शन करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना एवं लेवी ना मिलने पे JCB जलाना या अन्य किसी प्रकार के व्हीकल्स एवं सामानों को जलाना, इन सब से रिलेटेड घटनाओं को अंजाम देने का इनके ऊपर आरोप है। क्या सुधीर भी है? क्या इसमें प्रशांत गांधी का इन्वॉल्वमेंट था? देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, क्योंकि एक ऐसा बन्ना भी बरामद हुआ जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें कुछ नारे लिखे हुए थे इनके विरोध में। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि पीरटांड थाना क्षेत्र के मजीरा और बनासो जंगल में नक्सलियों का दस्ता मौजूद है। इस जानकारी पर गिरिडीह SP ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला पुलिस बल और CRPF की संयुक्त टीम का गठन किया और फिर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पीरटांड थाना क्षेत्र के मंजीरा और बनासो जंगल से 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। दस्ते के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। पंजाब केसरी TV के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।